क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ आकाश के गैराज में, तो है वही पे जाके आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। इसका हाउसिंग चेंज करना पड़ेगा, सारा प्रॉब्लम जो है इस पार्ट पे ही है। ये वाला रिपीट। ओह, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये रहा अपना वीरोनिका जिसको मैंने एक नया लुक्स दिया है। तो ये पहले भी आप लोग देख चुके हो पर इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो वो मैं बहुत ही जल्दी बना दूंगा। पर अभी दिक्कत ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे तैसे करके आज मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ आकाश के गैराज में, क्योंकि अपने वीरोनिका में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलो फटाफट वहीं पर चलते हैं, वहीं पर जाके आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी चलो फटाफट चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ आकाश के गैराज पे, तो एक बार आप लोगों को गैराज दिखाता हूँ। पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है आकाश का गैराज रेंज पॉइंट, जिसका भी बाइक में जो भी प्रॉब्लम हो आकाश के पास आ सकते हो। तो अभी अपने वीरोनिका में होने वाला है मोटा खर्चा, क्योंकि इसका इंजन सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंजन से एक फटा हुआ साउंड निकल रहा है और एक प्रॉब्लम है क्लच। तो शायद कैमरा में उतना आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, पर क्लच दबाने पर और क्लच छोड़ने पर दोनों साउंड में बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब इसका इंजन में प्रॉब्लम है। तो आकाश, सोल्यूशन क्या है? इसका हाउसिंग चेंज करना पड़ेगा पहले, और चेंज करना पड़ेगा बाहर रिपेयर करना पड़ेगा दोनों तो एक है। और तो इंजन का प्रॉब्लम है, से वो वाला है प्रॉब्लम का टैपिट का, टैपिट और टाइमिंग चेंज का प्रॉब्लम। तो लग गया अपना मोटा खर्चा। अभी वही सोच रहा हूँ कि क्या करे। अभी जेब का हाल ऐसा है कि सोचना पड़ रहा है। तो ये अपना बाइक लग गया है गैराज में, रिपेयर होने के लिए तैयार हो रहा है। पहले इसका क्लच साइड खोला जाएगा। तो क्लच साइड खोलने के बाद इसका जो हाउसिंग है उसको बाहर निकालेगा, उसके बाद जाएगा रिपीट पे। तो अभी अपना वीरोनिका का दिल खोला जा रहा है और ये देखो खून निकल रहा है इसमें से। ये इंजन ऑयल अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ था, नया डलवाया था। तो ये खुल गया है वीरोनिका का दिल। नोट छिलो कोनटा? वो तो नोट छिलो। तो अभी खोला जा रहा है क्लच प्लेट। ये है क्लच प्लेट, चेंज करता हूँ। ये भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो और एक खर्चा बढ़ गया है, अपना क्लच प्लेट भी चेंज होगा। कैसे पूरा पूरा काला हो गया? चलाना चाहते बाद में मोटामोटी आधा पाँच हज़ार। और ये है क्लच प्लेट हाउसिंग, जिसमें अभी दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है, कैसे पता चलेगा? ये वाला प्ले हो गया, ये प्ले हो गया। ओह, तो ये हिल रहा है तो इसीलिए आवाज़ आ रहा है। ओके, तो इसको टाइट करने से नहीं होगा? नहीं होगा, रिपीट करना होगा। मगर वैसे जी ना हो तो चेंज करना। ये भी जैम हो गया। हाउसिंग। तो प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम जो है इस पार्ट पे ही है। प्ले हो गया है वाला। ओके, तो ये हिल रहा है। ये वाला रिपीट है। हाँ, रिपीट करना पड़ेगा हाउसिंग पे, रिपीट करना पड़ेगा। रिपेयर होगा तो ठीक हो जाएगा। सब तेरे हवाले है। शायद ये रिपीट ढीला हो गया ना, ये वाला रिपीट।
भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, जब भी आपके बाइक में भी क्लच दबाने पर एक साउंड और छोड़ने पर अलग सी साउंड आएगा, तो आप ये जान लो कि आपका जो क्लच प्लेट हाउसिंग है वो वाला आपका भी खराब हो चुका है। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश अभी बारीकी से देख रहा है इसको कि इसमें और कोई दिक्कत है क्या नहीं। और एक तो चीज़ दिखाओ। हाँ, इंडिया, मेड इन इंडिया। अरे बाप रे बाप, ये देखो मेड इन इंडिया, इसीलिए जल्दी खुल गया ना। तो ये वाला हाउसिंग जो है ये अभी जाएगा रिपीट पे। रिपीट होने के बाद इसका जो हिलने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज तो और अपने बाइक में कुछ काम होने वाला नहीं है, जो भी काम होगा कल होगा। तो अपने वीरोनिका को आज यहीं पर रख के जाते हैं, कल आऊंगा फिर जो होगा देखा जाएगा, भाई आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो अभी चलते हैं घर। आकाश चलो कल का। तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हमने किया है उबेर मोटो बुक और आपने ना घुड़ी जाना है पसी हो। ओके, तो अपना उबेर भी आ चुका है। ओके, तो जैसे आप लोगों को पता है कि कल अपना बाइक जो है वो तो आकाश के वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट और जाके देखते हैं कि कितना काम हुआ है अभी तक। ये हम पहुँच गए फिर से आकाश के वहाँ पे, चल रहा है अपना गाड़ी का काम। ओके दादा, थैंक यू। आकाश कहाँ तक हुआ? हो गया सब कंप्लीट। अभी अपना बाइक का अलाइनमेंट हो रहा है, सामने वाला पहिया पीछे वाला दोनों इकाई। भाई पीछे वाला हो गया? अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। तो अपना इंजन का क्लच प्लेट हाउसिंग का जो प्रॉब्लम था वो तो आकाश ने ठीक कर दिया है, और ये सेट भी हो चुका है, मोबिल भी डल चुका है। और ये ऊपर देखिए यहाँ पे इंजन खुला हुआ है। तो जो भी हो भाई, लॉकर और टैपिट, तो ये वाला सेक्शन में अभी काम हो रहा है, हो गया काम। तो अपने सामने वाला जो टायर है तो इसमें थोड़ा सा बैंड है, तो थोड़ा सा ही है, इसको हम इग्नोर करते हैं अभी। तो अभी अपना बाइक का काम हो गया है ख़त्म। तो चलो थोड़ा बहुत तो काम चल जाएगा अपना। और अपना पहिए का जो अलाइनमेंट था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, वो अभी चला के देखेंगे हम। और अगले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अपने बाइक का हैंडल मॉडिफिकेशन। तो चलो इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।